राम साहब, मैं हूँ प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसेंस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं राम सेतु के ऑफिशियल ट्रेलर पे, और जिसमें अक्षय कुमार सर, तो सबसे पहले हम ये ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देश राम के भरोसे चलता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की इजाजत मांगी है। इस भरोसे को चुनौती कैसा दोगे? मेरे ख्याल में एक आदमी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा फॉर एन आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन टू राम सेतु। मेरा काम है इतिहास की परत को खोलना। इतिहास का मतलब समझते हो? इट दस। जिस दुनिया में एक साल पुरानी सड़क भी गड्ढे में खो जाती है, वहाँ 7,000 साल पुराना इतिहास आसानी से कैसे मिलेगा? एपी नोस राम सेतु लाइक बैग ऑफ पैन। उन्होंने हमें मरने के लिए इस मिशन पे भेजा, लेकिन सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं, पर सेतु सिर्फ एक। क्या बात है, October 25th राम सेतु। सो गाइस, ये था राम सेतु का ऑफिशियल ट्रेलर, और इस ट्रेलर के अंदर साफ दिखाया गया है कि मतलब जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर चाहती है राम सेतु को तोड़ने के लिए, और राम सेतु को बचाने के लिए अक्षय सर को अपॉइंट किया जाता है, और वो फिर एक मतलब एक बहुत ही अच्छे एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। हाँ। मतलब राम सेतु के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए निकल जाते हैं। मतलब हिस्ट्री टाइप हो गया कि हाँ। वो इस हिस्ट्री को सर्च करने निकलते कि इसमें क्या कुछ है, कब राम सेतु बना, राम सेतु है या नहीं है, वो भी जवाब इस मूवी में आपको मिल जाएगा। वैसे ये काल्पनिक स्टोरी है, जिसे बोल सकते हैं कि इसका कुछ मतलब सच से लेना देना नहीं है, बट फिर भी जो बोला गया है कि प्रभु श्री राम के मंदिर तो बहुत सारे हैं, बट राम सेतु एक ही है, क्योंकि दुनिया भर में सब जगह पे आपको श्री राम, प्रभु श्री राम के मंदिर मिल जाएंगे। और इसमें एक आगे मतलब एक डायलॉग भी था कि ये जो देश है हमारा, वो राम भरोसे चलता है। तो सच में हम सबको उनपे बिलीफ है, हम सबको हमारे जो भी मतलब हम मानते हैं उनको, सब लोग प्रभु श्री राम को सब लोग मानते हैं। और वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी कि भाई ऐसी मूवी जो उन्होंने ये टॉपिक उठाया है, तो इसमें छोटी सी भी गलती अगर हो जाएगी ना, तो ये मतलब अभी जैसे बाइकॉट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो छोटी सी भी गलती मतलब किसी की आस्था को, मतलब सबकी आस्था को ठेस पहुंचा सकती है, क्योंकि तो ऐसे टॉपिक में गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं, मुझे तो लगता है कि ऐसी कुछ गलती नहीं निकलेगी इसके अंदर, और अक्षय सर का काम भी इसमें एक नंबर लग रहा है कि वो एकदम ऐसा लग रहा है कि इस रोल के अंदर डूब ही गए हैं। और वो मतलब वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है राम 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 राम, 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 और फिर जो अंडर वाटर वो दिखाते हैं, और लास्ट सीन जो राम से वो हाँ मतलब दिखा रहे होते हैं, लग रहा है कि ये काफी अच्छी मूवी आने वाली है, काफी प्रॉमिसिंग भी लग रहे हैं सारे कैरेक्टर्स भी, स्टोरी भी अच्छी। ओवरऑल ये ट्रेलर हमें बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, और अपना सपोर्ट इस चैनल पे यूं ही बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।